खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो कल संबत 2076 का प्रारंभ हो रहा है। कल के दिन पंचांग सुनने की प्रथा रहती है। मैं आपको कल आपके आगे आने वाले एक वर्ष का पंचांग सुनाऊंगा, वह आप अवश्य सुन लीजिएगा, उसके संबंधित कुछ उपाय भी कीजिएगा। ये आपको पूरे 12 महीने प्लान करने के लिए एक बहुत ही मजबूत प्लेटफॉर्म देगा, ठीक है ना। दूसरी चीज नोट कीजिए, घट स्थापना और पताका फहराना, ध्वज जिनके यहाँ फहरता है, उसका समय शुरू होगा 6:10 सुबह से लेकर 10:19 के बीच में। तो सुबह 6:10 के बाद आप माता के स्थान को खूब अच्छे से साफ सुथरा कीजिएगा। यह कार्य आज आप रात में भी निपटा सकते हैं, उस स्थान को अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद सुबह 6:10 पर आप माता के वस्त्र बदलिएगा, शंख ध्वनि कीजिएगा, उसके बाद ध्वज पताका फहराइएगा और खेतरी जरूर बोइएगा, कलश रखिएगा, दीपक रखिएगा और नैवेद्यम रखिएगा और कोई एक वृक्ष भी अवश्य लगाइएगा, ठीक है, केले का वृक्ष या कोई भी आसपास। और यह कार्य 10:19 से पहले आप जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आज रात को अपनी दुर्गा सप्तशती निकाल लीजिएगा, क्योंकि अब से रोजाना दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। रात में आपको 11 के बाद जप करना है। जप क्या करना है ये मैं बता दूंगा, लेकिन कल माता को वस्त्र आदि पहनाकर उनको उनका स्थान देकर जो आप पाठ प्रारंभ करेंगे वह पाठ पहले से ही निकाल के रख लीजिएगा। कल आप प्रथम अध्याय का पाठ वहीं बैठकर कर लीजिएगा। तो समय अभी से मैनेज कर लीजिए, सुबह 6:10 के बाद यह पूजा प्रारंभ हो और 10:19 तक यह पूजा पूर्ण हो जाए। और फिर मैं कह रहा हूँ, कल मैं पंचांग सुनाऊंगा, वो जरूर सुन लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ गुरुजी ने दी है। साथ ही आने वाले जो 9 है वो भी बहुत कुछ लेकर आने वाले हैं। गुरुजी ने जैसा बताया पंचांग तो वो बताएंगे ही, साथ ही नवरात्र में नवदुर्गो की आराधना कैसी करनी है, उससे जुड़ी हुई सारी दिलचस्प कहानियां, बातें, विधियां सब कुछ हमारे पास होगा। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए।